महाराजगंज जिले की नौतनवा विधानसभा सीट से विधायक अमन मणि को बिजनौर पुलिस ने उनके साथ समर्थकों समेत गिरफ्तार कर लिया है। विधायक अमन मणि त्रिपाठी के खिलाफ पुलिस ने महामारी एक्ट समेत आईपीसी की कई धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। दरअसल उनकी गिरफ्तारी उत्तराखंड यात्रा से उठे विवाद के बाद हुई है। आपको बता दें कि विधायक अमन मणि त्रिपाठी के खिलाफ उत्तराखंड के टिहरी जिले में मुकदमा दर्ज किया गया है। उन पर लॉकडाउन का उल्लंघन करने का आरोप है। हैरान करने वाली बात है कि नियमों की अनदेखी। सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता स्वर्गीय आनंद सिंह बिष्ट के पितृ कार्य के नाम पर की गई। दरअसल 11 लोगों के साथ विधायक अमन मणि त्रिपाठी चमोली पहुंचे थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता स्वर्गीय आनंद सिंह बिष्ट का पितृ कार्य पूरा करने के लिए अनुमति मांगी थी, जिस पर उत्तराखंड के अपर मुख्य सचिव ने 11 लोगों की अनुमति जारी की थी। इतना ही नहीं, देहरादून से लेकर चमोली तक अमन मणि त्रिपाठी को पूरा प्रोटोकॉल दिया गया था। हालांकि इस दौरान चमोली पहुंचे अमन मणि त्रिपाठी ने एसडीएम कर्ण प्रयाग के साथ बदसलूकी कर दी और फिर मामला मीडिया में आ गया। आरोप है कि अमन मणि त्रिपाठी ने गौचर में डॉक्टर और स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों के साथ बदसलूकी की और रौब दिखाते रहे, जिसके बाद उनके खिलाफ टिहरी जिले के मुनिकीरेती थाना में मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया। ये हमारा बिजनौर रेड जोन में है, जहाँ पे किसी बाहरी व्यक्ति की अनुमति नहीं है और बिना अनुमति के ये यहाँ पे विचरण कर रहे थे और यहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ है पूरी तरह से, उसी के क्रम में इनको गिरफ्तार किया गया। सर कहाँ से आ रहे, कहाँ जा रहे थे? ये उत्तराखंड से आ रहे थे और इनको महाराजगंज नौतनवा से ये विधायक हैं, वहीं इनको जाना था। सर इनकी पत्नी की भी तो धार चल रही है सर, उसी विषय में जी इनकी पत्नी की भी नहीं, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। सर कितने लोग के साथ? और 7 लोग हैं विधायक जी, मुझे कुछ 7 लोग। हालांकि इसके बाद उन्हें निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया। वहीं वहां से लौटते समय बिजनौर पुलिस ने विधायक और उनके साथ साथियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल विधायक अमन मणि त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर विधायक को इजाजत किस आधार पर दी गई? बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बावजूद अमन मणि त्रिपाठी को उत्तराखंड में प्रवेश कैसे करने दिया गया? पंजाब केसरी टीवी के लिए बिजनौर से हाशिम अहमद की रिपोर्ट।